हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आज हम बात करेंगे एंटी फ्रीज के बारे में। तो ये एंटी फ्रीज है क्या? तो दोस्तों, एक कार जब कोल्ड कंडीशन में रहता है जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है, तो वहाँ पर ये जो कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम का अंदर का जो वाटर या फिर कूलेंट है, कूलिंग सिस्टम के अंदर जो ये वाटर या फिर जो कूलेंट है ये फ्रीज हो जाता है। तो जब ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आता है, तब ये वाटर जाके फ्रीज हो जाता है। तो दोस्तों, जब ये फ्रीज हो जाता है, तब शायद आप जानते होंगे कि ये फ्रीज होने के बाद 9% एक्सपेंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये कूलिंग सिस्टम में जब ये फ्रीज हो जाता है, ये एक्सपेंड होने का कोशिश करता है। तो वो जो एक्सपेंशन का जो फोर्स है, वो फोर्स सफिशियंट है, वो फोर्स इनफ है कि वो रेडिएटर सिलेंडर या फिर होसेस जो है उसको उसको क्रैक करने के लिए सफिशियंट है। यानी यानी कि जब वो फ्रीज हो जाता है, तब 9% एक्सपेंड हो जाता है। तो वो एक्सपेंशन का जो फोर्स है दोस्तों, वो इनफ है रेडिएटर या फिर सिलेंडर को क्रैक करने के लिए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ही ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन ये कूलेंट या फिर वाटर में मिक्स किया जाता है, ऐड किया जाता है, ताकि अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाए उस वक्त भी ये फ्रीज ना हो। और एंटी फ्रीज सॉल्यूशन ऐड करने के बाद ये जो कूलेंट जो है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो तकरीबन -37 डिग्री तक चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये क्या क्या एंटी फ्रीज मिनरल्स है जो ये कूलिंग सिस्टम का जो कूलेंट है इसमें ऐड किया जाता है। तो ये है, फर्स्ट वुड अल्कोहल, सेकंड डीनेचर्ड अल्कोहल, नेक्स्ट पॉइंट है ग्लिसरीन, फोर्थ है इथिलीन ग्लाइकोल और फिफ्थ है प्रोपिलीन ग्लाइकोल। तो ये सारे एंटी फ्रीज जो मिनरल्स है ये ऐड किया जाता है। इसमें से इथिलीन ग्लाइकोल जो है ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, अब रेशियो के बात करें कि कितना रेशियो में होना चाहिए ये एंटी फ्रीज। तो दोस्तों, रेशियो है जैसे कि 50% वाटर और 50% जैसे कि एंटी फ्रीज मिनरल, हम एज एन एग्जांपल इथिलीन ग्लाइकोल ले लिए, तो रेशियो जो है वो रिकमेंडेड ये 50% वाटर, 50% ये एंटी फ्रीज मिनरल, ये है नॉर्मल सा एक रिकमेंडेड रेशियो। चलिए दोस्तों, हम जाते हैं कि एक एंटी फ्रीज में क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो एक गुड एंटी फ्रीज में, तो हम एक पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं। शुड मिक्स रेडिली विथ वाटर, ये वाटर के साथ अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ए गुड एंटी फ्रीज शुड प्रिवेंट फ्रीजिंग ऑफ मिक्सचर एट लोएस्ट टेम्परेचर। लोएस्ट टेम्परेचर में भी ये फ्रीजिंग होने से ये मिक्सचर को रोकना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। थर्ड नंबर है, शुड
सर्कुलेट फ्रीली इन कूलिंग सिस्टम, कि कूलिंग सिस्टम ने ठीक से सर्कुलेट करना चाहिए। और नेक्स्ट है शुड बी लेस कोरोसिव, ये कोरोसिव लेस होना चाहिए, कोरोशन नहीं होना चाहिए। कोरोशन से दोस्तों वो तो जो इंटरनल पार्ट्स है ये कूलिंग सिस्टम का वो वेयर आउट हो जाता है, ये कोरोशन नहीं होना चाहिए। शुड नॉट लूज इट्स एंटी फ्रीज प्रॉपर्टी आफ्टर एक्सटेंड यूज, ये एक्सटेंड यूज के बाद भी ये एंटी फ्रीजिंग जो इसका प्रॉपर्टी है वो लूज नहीं होना चाहिए, वो एक ठीक ठाक से रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शुड नॉट वेस्ट बाय वेपराइजेशन, वेपराइजेशन के वजह से ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों शुड नॉट डिपॉजिट एनी फॉरेन मैटर, कोई भी फॉरेन मैटर डिपॉजिट नहीं होना चाहिए ताकि जैकेट और रेडिएटर में अगर ये फॉरेन मैटर डिपॉजिट हो तो ये वाटर जैकेट या फिर रेडिएटर में वो ब्लॉकेज हो सकता है, वो क्लॉक्ड हो सकता है। तो ये सारे क्वालिटीज दोस्तों एक एंटी फ्रीज में होना चाहिए। दोस्तों और भी एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो कूलेंट है इसका, ये जो कूलेंट है इसका जो कलर है ये आप ग्रीन दिखते हैं। ये ग्रीन कलर क्यों ऐड किया जाता है, ये जो ग्रीन कलर है दोस्तों ये एक्चुअल कूलेंट का कलर नहीं है, ये ग्रीन कलर अलग से ऐड किया जाता है ताकि दोस्तों अगर किसी तरह भी लीकेज हो एक कूलिंग सिस्टम में, अगर किसी का कहीं से भी लीकेज हो ताकि हम इजीली डिटेक्ट कर सके कि हाँ ये कूलेंट ही लीक कर रहा है, इसलिए कूलेंट का ये ग्रीन कलर दिया हुआ रहता है। दोस्तों आप सब लोग को कैसा लग रहा है, आप रहिए ऑटोमोबाइल हिंदी के साथ, आप सब लोग सुस्त रहिए, धन्यवाद।